हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम और कल का ही ब्लॉग है ये, मतलब 7 तारीख का, तो 7 जून का। और 8 को एडिटिंग कर रही हूँ, 9 को जाएगा, सॉरी 8 का है आज, 9 को एडिटिंग कर रही हूँ, 10 को जाएगा, 8 का है सॉरी। तो इधर देखिए, मॉर्निंग में मैं भिंडी बना रही थी और भिंडी मैं पहले ही काट के रख देती हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग नहीं था कोई भी, चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और जैसे तैसे करके ब्लॉग को बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, लगता तो काफ़ी टाइम है, बहुत मेहनत लगती है, 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पा रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, तो 2-3 घंटे लगते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के, तो एक दिन वीडियो जाता है, अगर ये भी नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा। तो देखिए, भिंडी छोंक दी मैंने और एक बार चला के देख लेती हूँ, बीच बीच में चला चला के देखती रही, और कई बार मतलब कई बार, तो देखिए भिंडी बन चुकी है। इनमें डाल देती हूँ गरम मसाला, और क्या है ना कि मैंने जैसे बताया था, तो हस्बैंड जी इधर तेल पल रहे हैं, पूरा टीन है तेल का, तो बस मैं सोच रही थी कि अभी खुलवाया है नया, ये पलट जाएंगे, जाएंगे अभी तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से फैल जाता है, करने में नहीं आता है, तो इनसे करवा रही थी मैं। तो इन्होंने टीन खोल दिया और कर रहे थे। तो देखिए, मेरी भिंडी बन चुकी थी और ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही हूँ, बनाऊँगी। तो इधर बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, और रोटी बनाने में सच में इतना ज़्यादा काम, मेरे यहाँ 6 तारीख को गेस्ट लोग आए थे, और गेस्ट लोग मतलब इतने कई लोग थे, 9 लोग और 4 लोग हम रह रहे हैं इधर, तो पता है इतना ज़्यादा काम मेरा 2 दिन से करते करते काम समेटने में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए लोग आके चले जाते हैं, जब घर गंदा हो जाता है ना, कि आने वाले तो आए और चले गए, और घर गंदा हो जाए फिर उसको तो मैं संभालने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, 13 लोग हो, 9 और 4 13, तो इतना लोगों का, फिर मतलब 4 लोगों के रहने में, और मेरे बच्चे दोनों बड़े हैं, दीदी का भी मेरा भी, तो गंदा नहीं करते, और हम हस्बैंड वाइफ, और फिर हम लोग जैसा है वैसे ही रखते हैं, पर घर इतना गंदा हो जाता है कोई आने पर, कि सच में उसको इतने दिन लगते हैं सफाई में, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ये कुछ पूछ रहे थे, दूध वगैरह लेने जा रहे थे, तो इधर मैं टी शर्ट बता रही थी, टी शर्ट टंगी है धरी, और क्योंकि गेस्ट आने से पहले सफाई करो ना, ऐसा का तैसा तहस नहस घर कर देते हैं। मैं कुछ भी सफाई नहीं करती, क्योंकि मेरे घर साफ सुथरा ही रहता है एकदम, फिर जाने के बाद मुझे बहुत सफाई होती है, जिस दिन गए थे उस दिन डबल डबल मैंने मेहनत, सुबह को 2-2 बार पोंछा, फिर शाम को चले गए जब झाड़ू पोंछा, फिर क्योंकि पूरा घर इतना, बाल कहीं कंघी कहीं कहीं कुछ करती हूँ तो इतना गंदा हो जाता, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, इधर बना रही हूँ मैं सैंडविच, और सैंडविच किसके बना रही हूँ, मेरे पत्ता गोभी की सब्जी रखी थी, तो बस ब्रेड मंगाए और उस पर नीचे सॉस लगाई, चटनी थी नहीं मेरे पास, चटनी लगाई नहीं, और चीज़ कसकस के डाल देती हूँ इन पर, और सब्जी को थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के गर्म कर लिया था मैंने थोड़ा सा। और तो देखिए, मैंने सोचा था हस्बैंड जी कहीं जा रहे थे, ऑफिस वगैरह इनके, तो जल्दी से मैंने इसी जिस पर रोटी बनाई थी उसी तवे पर घी लगाया, सेक देती हूँ, मक्खन भी नहीं लगाया मैंने, तो बस सारे सेक के रख दूँगी, दूध वगैरह भी आ गया है इसे भी गर्म करूँगी। और एक दिन के गेस्ट आने पर इतना ज़्यादा काम, 3 दिन हो गए मेरे को लगे 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 लगे, पर घर जैसे पहले था वैसा नहीं आ रहा है अभी, तो चलिए कोई नहीं, करेंगे और क्या है, करना तो है ही है। तो देखिए, इधर मैं बस पलट के भी इसको घी लगा देती हूँ, और दोनों तरफ से मैंने सोचा बच्चे भी नहा के आ रहे हैं, तो उनके भी सारे सेक के एकदम से रख दूँगी और खाते जाएंगे, क्योंकि मुझे नहा के जब मैं आई थी 12:30 बज गए थे, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, 1 ही बज गया, और मैंने फिर दोपहर में भी लंच नहीं किया, क्योंकि फिर दोपहर का क्या लंच करो, इतना टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैं चीज़ को इसमें कस के रख लूँगी जितनी मुझे करनी है, बाकी रख दूँगी फ्रिज में, नहीं तो पिघल सी जाएगी। तो मुझे इतना लेट हो जाता है कि मेरा काम सिमटने में नहीं आ रहा है, कोई आ जाए तो घर ऐसा फैल जाता है, ऐसा इसमें सिमटने में नहीं आ रहा है, और फिर 13 लोगों का अकेले, और करने वाली सब कुछ ही मैनेज करने वाली, खाना पीने से लेकर साफ सफाई का देखना, तो सब कुछ अकेले ही करने वाली, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए, इन्होंने काट दिए थे टमाटर, मैंने टमाटर लगा दिए बाद में, इसमें खीरा थे नहीं, खीरा भी मैं लगा देती, तो फिर हालत तो पतली होगी होगी।
तो मैंने कर दिया है। और उसके बाद सेकने के बाद बालकनी वगैरह धो दी थी। डेली दिल्ली में मैं सुन रही हूँ हर जगह बारिश आ रही है, पर दिल्ली में बारिश नहीं आ रही। डेली आंधी आती है, डेली आंधी आती है। तो बस उसका ही धोना बालकनी का, फिर उसको साफ सुथरी करना। तो उस दिन 6 तारीख को बट सावित्री भी थी। वो लोग 5 को आए, 6 को रहे, शाम को गए थे 6 को। तो बट सावित्री भी थी, तो उनका सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह देना, अपनी पूजा की तैयारी करनी, फिर उनका लंच तैयार करना, नहाना धोना, साफ सफाई करना, पूरा दिन मतलब बहुत ज़्यादा। तो और शहरों में क्या, गाँव में ना बड़े बड़े होते हैं घर, और मैनेज हो जाता है कि इधर उधर चले गए। और शहरों में उसी में पड़े पड़े फिर कंघी वगैरह लोग करते हैं, तो क्या करते हैं ना कि बाल वगैरह उठा के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फिर बाल कहीं, अभी तो फैन भी चल रहे हैं, तो कहीं बेड के नीचे घुस रहे हैं, कहीं कहीं घुस रहे हैं, तो उनको साफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। डेली के बाल निकल रहे हैं, डेली के, सच में। तो देखिए इधर मैं अपनी किचन पहले ऊपर साफ कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर मैंने साफ कर दिया किचन को, साफ सुथरा, बस पोछा लगा देती हूँ। और इतना मैं 6 तारीख को तो बिल्कुल लेटी भी नहीं, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अपनी पूजा का भी करना और उन लोगों का भी करना। इतनी ज़्यादा मेरी हालत बदली हो गई थी, बहुत ज़्यादा। रात को वो लोग लेट आए थे, और उनका रात को खाना पीना बनाना, फिर 12, 12:30, 1 बज गया था सोने में। और उसके बाद में लेटते ही तो नींद नहीं आती, और सुबह ही उठ गई थी मैं 5:30 बजे। और उसके बाद में 5:30 बजे से शाम को मतलब 11 बजे तक फिर लगे लगे, तो मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, लगे लगे। इतनी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 1 मिनट बैठने को नहीं मिला, कैसा होता है। तो बस अभी देखिए इधर मैं आ गई थी बाथरूम में, उधर करे आई थी किचन वगैरह, और पोंछा वगैरह लग चुका था। इधर बाथरूम में आ गई थी, लेट हो रखा है काफ़ी, 11:30, 11:15, 11:30 बज गए। तो चलिए कोई नहीं, अभी कपड़े भी गल रहे हैं मेरे धोने को। उधर की बेड शीट वगैरह मैंने गला दी है धोने के लिए, इधर की भी धोऊंगी। तो क्योंकि 24 घंटे एक चीज़ पे ही पड़े पड़े फिर वो वैसी हो जाती। तो इधर मेरा पोंछा वगैरह बाथरूम वगैरह धुलाई हो गई है, और बाथरूम भी इतना बुरा हाल के बहुत ज़्यादा। तो चलिए, क्योंकि कोई भी अपने घर जैसा घर नहीं समझता। एक दिन को कोई आए तो बस आना है, लगता है कि आना है और जाना है। तो इधर देखिए मैंने उसमें बाथरूम वगैरह धो करके और इस रूम में भी पोंछा लगा देती हूँ। और फिर मैं रात को जब 6 तारीख को भी शाम को क्लास भी गई थी, फिर क्लास से आगे नहाना धोना किया, और इतनी हालत तो ख़राब थी। और इधर देखिए ये बैग किसका रखा है, मेरी बहन की जो लड़की है वो भी आ रखी है इधर मेरे पास में, छुट्टियाँ थी उसकी स्कूल की, तो वो भी आ रखी है, उसका बैग है ये। और देखिए इस रूम में भी इधर मैंने पोंछा लगा दिया है। और आज ब्लॉग भी मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया, छोटा सा ही है, क्योंकि किसी दिन 12 मिनट से ऊपर हो जा रहा था, आज मैंने छोटा सा ही बनाया। वीडियो नहीं था तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना लेती हूँ, चाहे छोटा सा ही वीडियो बनाऊँ। तो वो इधर ही बैठी है और वो वीडियो में नहीं आ रही, तो नहीं सॉरी वीडियो में नहीं आ रही, क्या मतलब, वो इधर बैठी है, मैं इस रूम में पोंछा लगा रही थी, तो इसलिए। तो देखिए आधे हॉल में मैं यहाँ तक लगाती हुई आ गई थी, इतना बचा है, बस इसको भी कर देते हैं पूरा। और मतलब दो दो बार लग रहा है, दो दो बार तो वैसे भी मतलब आगे आगे लगाती आती थी, दोबारा लगाती थी, अब तो पूरे में ही अच्छे से दो दो बार लग रहा है, पर पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी गंदगी नहीं जा रही है। दो दो तीन तीन बार पानी चेंज कर रही हूँ, फिर भी नहीं जा रही है। तो चलिए कोई नहीं, गेस्ट तो आगे चले जाते हैं, पर घर और खुद की हालत इतनी बेकार होती है, 2-3 दिन समेटने में भी नहीं वो समेटती है। तो कोई नहीं, चलिए कर दिया है मैंने। और देखिए इधर वो मेरा बेटा पानी मांग रहा है, तो उसके लिए उठ गया, ये पानी दे रही है उसके लिए, और वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उधर बैठे। तो इधर मेरा हो गया है, इस रूम में लगाते लगाते मैं आ गई थी पोंछा को। और अभी वीडियो का भी एंड कर लेते हैं, और कहना अभी तो मेरे कपड़े वगैरह बहुत सारे धुलाई को पड़े हैं, चारों तीनों बच्चों के, दोनों हस्बैंड वाइफ के, हमारे 5 लोगों के कपड़ा हैं, बेड शीट वगैरह हैं, और जो तो टॉवल वगैरह थे वो भी सभी धोने हैं, वो हैं।
तो बस वो धोने हैं, गल रहे हैं कपड़ा, तो मेरे को टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो जाता है काम करते करते, क्योंकि फिर मैं लंच नहीं करती, एक सैंडविच खाया बस। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखिए गर्मी से इतनी बुरी हालत हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी तो है ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर से घर के काम में डबल डबल मेहनत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए फिर वीडियो का कर लेते हैं एंड, और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। बाय बाय।